मार्वल की लेटेस्ट मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी के बारे में जानते हैं कि क्या ये मूवी मार्वल के फेज 5 को अच्छा बूस्ट कर सकती है। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मेनली फोकस करती है जेनेट की कहानी के ऊपर की जेनेट एक्चुअली में 30 साल क्वांटमेनिया में जब रही थी तो एक्चुअली में क्या की वो। इसी सप्ताह में ट्रेलर में भी देखने को मिला कि जेनेट कैंग को जानती है, जेनेट कैंग से डरती है, वो एक्चुअली में क्यों, उसका मेन रीजन क्या है। एंड कैंग को जिस हिसाब से बिग डैडी कहा जा रहा है वो एक्चुअली में क्यों कहा जा रहा है, अगर तुम मूवी को जाकर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में कैंग भाई बहुत ही बैड है। कैंग का कंपैरिजन थैनोस से किया जा रहा है, मतलब कि मैं सीधा सीधा बता दूं कि भाई कैंग के लिए थैनोस कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करे इस हिसाब से कैंग के लिए वो। एंड मूवी में मॉर्डोक के कैरेक्टर को पूरी तरीके से वेस्ट किया गया, तो भाई मुझे उससे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था कि मतलब कि इतना ज्यादा हाइप बनाया गया मॉर्डोक के कैरेक्टर को लेकर और वहां पर उसे वेस्ट कर दिया गया। एंड मूवी को देखते देखते मुझे एक बात नोटिस हुई कि हर बार आग पे एंटमैन बड़ा ही हो जाता है, तो क्यों उसका नाम एंटमैन है उसका नाम जिराफ मैन रख दो। और हर किसी के पास सूट होने के कारण तो भाई कुछ मुद्दा बचता ही नहीं कि यार ये एंटमैन क्यों है, मतलब कि इसे हीरो क्यों बोला जाता है, हर किसी को अगर सूट दोगे तो उसके पास पावर तो आ ही जाएंगी। मूवी ओवरऑल काफी ज्यादा बेहतर है, मतलब की फेज 5 को जिस हिसाब से बूस्टअप चाहिए था उस हिसाब से तो इसे जरूर मिलना चाहिए। अगर तुमने अभी तक मूवी देख लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी मूवी। और अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखा तो जाओ और जाकर देखो भाई, 100% गारंटी देता हूँ तुम्हें मजा आएगा।